इससे बड़ा शुभ दिन या खुशखबरी क्या हो सकता है कि जन्म मुंडन इसका हो जाए। आइए खुशखबरी आप लोगों को सुना रहे हैं अपने मायके के और हमारे पंडित जो यहाँ है कटिहार के, इन लोगों से हम संपर्क में हैं कि प्रियांश का मुंडन जो है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तभी बज रहे हैं जी शाम के 6 और इस समय गर्मी है जबरदस्त, ऐसी उसी नहीं खतरनाक वाली गर्मी है, तो एकदम पूरा मौसम लग रहा है चिपचिपा सा। भाई साहब, इस मौसम में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और एसी अगर नहीं चलाए तो उसके बिना तो लगता है कि काम चल ही नहीं पाएगा, बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। तो फिलहाल जो है क्रियांश चला गया है अपनी दादी के साथ, थोड़ा घूम फिर रहा है। और जिया हमको कही है कि कुछ खाने के लिए सामान सब लाना है, कुछ बनाना चाहती है, तो चलते हैं मार्केट से उठा करके लाते हैं। तो सामान सब तो ले लिए जी, जो सब जिया को लेना था। जिया बनाना चाह रही है पोहा, तो आज पोहा ट्राई करके देखना चाह रही है कि क्रियांश को पसंद आता है कि नहीं। अगर क्रियांश को पसंद आ जाएगा तो उसका जो लंच बॉक्स रहेगा उसमें उसको मिल जाएगा, क्योंकि क्रियांश को अभी जो दे रही है रोटी भुजिया ये सब खाना नहीं चाह रहा है। तो पूरी एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और साथ में जिया चाह रही है पोहा भी करे। खाने में बड़ा नाटक है जी, भाई साहब को कैसे खाने की आदत दिलाए समझ में नहीं आ रहा। लेट है। तो यहाँ पर जी पोहा जो है तैयार हो चुका है और सभी लोग जो है पोहा खाएंगे। तो फिलहाल क्रियांश को ट्राई किया जा रहा है कि क्रियांश खाता है कि नहीं। थोड़ा खा रहा है, लेकिन आप अपने सामने से खाए। हाँ, खाए रहा है। सॉस खाली खा रहा होगा, पोहा क्या खाएगा। नहीं, दोनों मिक्स करके दे रहे, उसको दिखा के ऐसे जैसे करके बस हो गया, सॉस खाएगा खाली। सॉस भी आप कितना लिए, हम अपने अच्छा खासा सॉस खाते हैं, इसीलिए बेटा खाता है। चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल क्रियांश को लेकर के आए हुए हैं ऊपर, और इसका खिलौना सब यहाँ पर निकला हुआ है। तो ये खिलौना छोड़ करके जो इसको खेलना है, जो इसका मेन पर्पस है कि यहाँ पर आप कार डालिए, और लगभग 3 फ्लोर से जो है ये नीचे जगह 4 फ्लोर है, लेकिन क्रियांश एक अलग ही खेल बना दिया, ये देख रहे उसमें आप पैर डाल रहा है। यही है बच्चों सबका जी, जिस चीज के लिए लाइए मकसद ही अलग हो जाता है। क्रियांश डर रहा है क्योंकि दादी जो है पर चूल रहा है कि तुम हटाओ मुंह पर दे वो। हाँ। तो यहाँ बन रहा है मेरा खाना, खाने बन रहा है आलू परवल की सब्जी। डर रहा है नहीं वो। The next day. Good morning, आप सभी को अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई थी बहुत पहले। तो हमारा खाना पीना जो है थोड़ा बहुत प्रोसेस में है, और अभी आई हूँ मैं ऊपर, तक क्रियांश भी उठ गया। तो अभी क्रियांश और क्रियांश के पापा सोए हुए, शायद क्रियांश उठ गया तो मैं उसको लेके जाती हूँ नीचे। तो आज इस क्रियांश के पापा को उठाना नहीं पड़ा है और ना क्रियांश को उठाना पड़ा है, दोनों अपने से उठ गए। अबुका गुड मॉर्निंग, पापा को गुड मॉर्निंग किया ये लड़की, बाबा पापा को गुड मॉर्निंग किया, आपको गुड मॉर्निंग की नहीं किया। अच्छा आजा आजा। हाँ क्रियांश उठ चुका है, और क्रियांश ने आज पापा को गुड मॉर्निंग नहीं किया। हाँ बोलो, बैड मैनर्स क्रियांश, पापा को गुड मॉर्निंग करते ना। तो क्रियांश सबसे पहले उठता है और अपने पापा को पूछ ही देता है भरपूर, और अगर नींद ना खुले तो पापा के साथ सो जाता है। तो मम्मा आती है, मम्मा उठाती है। हाँ क्रियांश, आज क्रियांश जो पापा को गुड मॉर्निंग भी नहीं किया, ना जय जय किया है मंदिर में जाके। अभी मंदिर जाना है। मम्मा को गुड मॉर्निंग कर दो, पहले मम्मा को गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, यहाँ जा रहा है चाय करने के लिए। ऐसे नहीं, ओपन कर देते हो, ओपन जा, जय कर दिया, करिए जय। दूर से नहीं बेटा, झुक के करते हैं, झुक के। वाह क्रियांश, वेरी गुड क्रियांश, समझदार हो गया ये देखिए। चींटी है बेटा, उसमें चींटी है। यहाँ भी जय करिए, यहाँ भी जय करिए। इसका ध्यान प्रसाद मम्मा हटा ये। A few moments later. तो क्रियांश कितनी भी नींद में रहे ये मंदिर जरूर जाएगा, और प्रणाम कैसे करेगा, ऐसे करके प्रणाम कर लेगा चाहे वो कितनी भी नींद में रहे। और आज क्रियांश को वहाँ पे प्रसाद भी मिल गया, क्योंकि कल क्रियांश प्रसाद नहीं खाया था। क्रियांश के पापा भी आ गए, और माँ क्या बोल रहे थे,
बाल छिलाया तो लगता है विलेन। माँ कहती है सुनो अलग है जी, एक नंबर का विलेन तो विलेन एकदम। और ये दाढ़ी दिखाई थोड़ा सा, दाढ़ी दिखाई ना, दाढ़ी दिखाई थोड़ा सा, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और क्रियांश के लिए आज बन रहा है ये देख सकते हैं नेनुआ की सब्जी। इस घर में नेनुआ किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्रियांश को नेनुआ अच्छा लगता है। हाँ वो तो है ही, लेकिन थोड़ा सा खाता है वर्तमान में, तो हम लोग भी यही खाते हैं उसके चक्कर में। बाकी जो है हमारा किचन, हमारे किचन में यहाँ पे बन रहा है पूरी, जो कि पूरी मैंने तल लिया, इतना ही तलना था मुझे। बाकी इधर बन गया है भिंडी का, भिंडी कहते हैं करेले का भुजिया, दाल, और थोड़ी देर में जो भी बनेगा बनेगा, क्योंकि अभी क्रियांश के स्कूल का बारी है, तो अभी जल्दी जल्दी जितना हो पाता है कर लेते हैं। A few moments later, तो क्रियांश चला गया स्कूल और हमारा खाना पीना सब कुछ बन गया। और गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। और आज हमने सोचा है कि आज मैं शूट नहीं करूँगी, कोई भी वीडियो वगैरह भी शूट नहीं करूँगी, इंस्टाग्राम का जो भी मैं शूट करती हूँ क्रियांश के स्कूल जाने के बाद। आज मैं थोड़ा घर का काम करूँगी, क्योंकि घर भी हमारे बेटे ने पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज शूट का जो टाइम है हमारा 1 घंटे का, वो 1 घंटे में अपने घर का सारा कुछ सामान अरेंज कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर क्या करता है ना, ये क्रियांश के पापा करते हैं, जो भी सामान मिलेगा जो क्रियांश फेंक रहा सारा ऊपर ही रख देंगे। और इतना खराब लगता है मुझे कि कोई घर में आ रहा है सबसे पहले वहीं ऊपर सारा कुछ, उनकी भी गलती नहीं है। क्रियांश क्या करता है, जो भी सामान रहता है ना सारा इधर उधर उधर फैला देता है, तो वो तोड़ ना दे फोड़ ना दे, इस वजह से क्रियांश के पापा वहाँ चढ़ा के रख देते हैं। और इस बेड के नीचे ना आपको इतना सारा सामान मिलेगा जब आप निकालोगे, और जब क्रियांश रहता है तो मैं निकाल भी नहीं पाती हूँ, जैसे मैं झुकती हूँ ना वो मेरे पीठ पर चढ़ के बैठ जाता है, तो गिरने का डर रहता है कहीं वो मेरे पीठ पर से गिर ना जाए, और झुक नहीं सकते तो इस वजह से मैं कुछ निकाल भी नहीं पाती हूँ। तो अभी इतना सारा उसका खिलौना निकाला है मैंने इसके बेड के नीचे से, कंघी, चार्जर, क्या क्या नहीं, बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। तो जल्दी से इस रूम को करते हैं ठीक, फिर वो वहाँ का भी सारा कुछ हटाना है, मुझे इतना ख़राब लग रहा है। तो बस आज मेरा यही है, क्या होता है ना कि आप रोज सोच के, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं डेली काम करते हैं, मेरे से क्या होता है कि रोज मैं सोच के भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली है, कभी क्रियांश स्कूल नहीं गया, कभी घर में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं जाना है कुछ है, तो उस टाइम नहीं कर पाए। और कभी आपका घर फैला हुआ दिख रहा है तो मन करेगा कि आज घर को ठीक करें फिर काम करेंगे, क्योंकि घर भी जरूरी है, कोई आएगा तो क्या कहेगा घर कैसा है, तो इस वजह से भी नहीं कर पाते। और इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जिसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जिसको क्रिएटर कहते हैं, उसको कहा जाता है कि हर दिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा तभी आप आगे जा पाओगे। तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को क्या आसान बनाना है, और काम तो करना है, काम नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी करना है लेकिन घर के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ। तो अभी हमारा रूम कुछ इस प्रकार का है, बेड मैंने फिलहाल ठीक कर दिया, ऊपर का सारा सामान हटाना है, और एसी का जो है ना, आज एसी का भी वो निकाल करके मुझे अंदर से जाली को साफ करना है, क्योंकि आजकल थोड़ा कूलिंग कम कर रहा है। 2 hours later. तो अभी बज रहे थे सुबह के 11:15, और इस समय जो है क्रियांश अपने स्कूल में है, और मम्मी जो है अपना पूजा सब कर ली है। तो उसके बाद जो है बाकी देखते, एक कमेंट जरूर आती रहता है क्रियांश को लेकर के, कितना बड़ा हो गया, आप लोग उसका अभी तक मुंडन नहीं करवाए हैं। किसी भी माँ बाप या दादा दादी, उसके लिए इससे बड़ा शुभ दिन या खुशखबरी क्या हो सकता है, जो उसके पोता का उसके सामने मुंडन हो, जनऊ हो। तो मेरा वही अरमान बाकी है कि जनऊ मुंडन इसका हो जाए, शादी ब्याह उसका माँ बाप करेगा बिल्कुल। और आप लोग से कर लेगा आपका पोता, और आप लोग से नहीं करेगा हम तैयार हैं कि भागने के लिए। नहीं, इतना पूजा पाठ करते मोर चढ़ेगा यहीं से, चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं हो। लेकिन संकोच है, संकोच फिर भी समय के अनुसार तो समझौता करना ही होगा। और ये खुशखबरी आप लोगों को सुना रहे हैं अपने मायके, और हमारे पंडित जो यहाँ है कटिहार के, इन लोगों से हम संपर्क में है कि मुरन का एक शुभ दिन हम खोज लें, और वो लोग बहुत जल्द ही सूचना देंगे, तो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। और लेकिन इतना उनको देने के बाद हमको इतनी खुशी हो गई, तो सोचे कि अपने जहाँ हम लोग अपना सब कुछ शेयर करते हैं, बिल्कुल, तो आप लोगों के साथ भी सोचा कि इस खबर को शेयर किया जाए। तो क्रियांश का मुंडन जो है जल्द ही होगा,
और मुंडन का जो समारोह होता है हम लोग की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, एक फंक्शन है, शादी ब्याह भी लगेगा, शादी ब्याह की तरह होता है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे जो मुंडन होता है हमारे यहाँ पे ससुराल में, 2.5 साल जब बच्चा हो जाता है तब ना, उसके बाद 2.5 साल के बाद 3 साल के अंदर, उसके बाद तुमको 5 साल के अंदर हाँ, तो हम लोग जो है 3 साल के अंदर ही करेंगे।